छात्रों, जैसा कि इसके पूर्व में हम लोगों ने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में काफी कुछ हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने आवेश को स्थिर मानते हुए काफी कुछ फिजिक्स की बहुत सी भी घटनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत के नाम पर हमने जाना पढ़ा। सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड यूनिट थी आप लोगों की, धारा विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी हम लोगों ने आवेश को गतिमान मानते हुए कैसे करंट डेवलप होती है इस बारे में आपने अध्ययन किया। उसका अगला पड़ाव जो यूनिट नंबर 3 है, जो कि इस यूनिट का जो पहला पार्ट है, जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसमें भी हम लोगों ने करंट को, चार्ज को गतिमान माना। ध्यान रखिए, हमेशा गतिमान चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डेवलप करता है, जबकि स्थिर चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ही डेवलप करता है। आज हम यूनिट 3 कक्षा 12 की यूनिट 3 का जो सेकंड पार्ट है, चुंबकत्व, इस बात का हम यहां अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो कुछ छोटी सी कुछ इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, एक प्लेस है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में चट्टान पाई जाती थी, और उस चट्टान में जो चुंबकीय पदार्थ है उनको अपना एक आकर्षित करने का गुण पाया जाता था, और इसी आधार पर हमने चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने का जो प्रॉपर्टी है, उसी गुणधर्म को हम लोगों ने जो है चुंबकत्व का नाम दिया। तो चुंबकत्व क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है, जो कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। वेरी सिंपल। चल, तो अब हम स्पेशली जानने की कोशिश करते हैं चुंबक के बारे में। तो जो चुंबक है, चुंबक को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है। पहला, जो कि प्रकृति ने बनाया है, इसलिए उस चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक का नाम दे दें, और कुछ मानव निर्मित भी चुंबक है, और इसलिए इसी आधार पर हमने इस चुंबक को कृत्रिम चुंबक का नाम दिया। कृत्रिम चुंबक भी जो है, कुछ हमने अस्थायी चुंबक बनाए। दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक के बारे में इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, इस यूनिट 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने काफी कुछ देखा होगा, आपको याद होगा, जब हम लोगों ने एक लंबा जो रेखीय चालक तार हमने रखा था, और उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की थी, इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। तो निश्चित रूप से आप यहाँ जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब तक ही यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जैसे ही आपने विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है चारों ओर का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, या जो चुंबक बन रहा है, इस चुंबक को हम कौन सा चुंबक कहते हैं? अस्थायी चुंबक का नाम दे सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा कुंडली में भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर भी जो कुंडली है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसको भी हम किसका नाम दे सकते हैं? ये चुंबक का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा भी और एक पार्ट और है, जिसको हम लोगों ने कहा है परिनालिका। परिनालिका कैसे बनाई जाती है? अचुंबकीय पदार्थ के टोट पर हम लोग क्या करते हैं, तांबे की विद्युत जोड़ी तारों को लपेट कर बनाते हैं, और जब हम इन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। निश्चित रूप से, चाहे वो लंबा रेखीय चालक तार हो, चाहे वो कुंडली हो, चाहे परिनालिका हो, जब तक हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब तक वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकत्व के गुण को दर्शाता है।
तो बात सबको समझ में आ गई होगी। तो वो जो जितने भी प्रकार आप देख रहे हैं ये सब के सब जो है अस्थायी चुंबक है। मीन्स जब तक आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक वो चुंबकीय गुण को दर्शाएगा। आपने विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दी, चुंबकत्व गुण उसका समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे चुंबक को कौन सा चुंबक कहेंगे? अस्थायी चुंबक कहेंगे। और स्थायी चुंबक के बारे में तो आप लोगों ने देखा भी है, छोटी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने लैब में प्रयोगशाला में छोटे छोटे चुंबक आपको दिखाए गए हैं, है ना। तो ये चुंबक बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं? लोहे के बनाए जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ के बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी और कोई पदार्थ है जैसे कोबाल्ट है, जैसे निकिल है, इनके भी हम लोग जो है चुंबक बनाते हैं। और इनमें इन चुंबकों में लगातार ये क्या करता है? चुंबकीय गुण को दर्शाता है। और इसीलिए इस चुंबक को हम लोग कौन सा चुंबक कहेंगे, कौन सा चुंबक का नाम देंगे? स्थायी चुंबक का नाम देंगे। चलिए अब हम चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में देखें। चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये परिभाषाओं को है तो बहुत सरल लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जब तक इन परिभाषाओं के बारे में, इन चीजों के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप चुंबक को नहीं पढ़ सकते। जैसे हमने कहा ये एक चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव होना चाहिए, एक ध्रुव एम दूसरा ध्रुव एस। तो पहली परिभाषा हम इसकी में, पहली परिभाषा है चुंबकीय अक्ष। पहली परिभाषा इनको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात मैंने क्या बताई? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या है? वेरी सिंपल, चुंबक के दोनों ध्रुवों को, दोनों ध्रुव मतलब एक ध्रुव का नाम है उत्तरी ध्रुव, दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये ध्रुव क्या चीज है? ये ध्रुव क्या चीज है? जहां पर चुंबक की जो शक्ति है वो अधिकतम होती है, उन बिंदुओं को चुंबक का ध्रुव कहा गया है। तो चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष है वो क्या है? वो एक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं, राइट? वेरी सिंपल। दूसरा जो पार्ट है वो है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। ये चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या चीज है? वेरी सिंपल। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, यहां तक इस रेखा को, इस रेखा की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। ये चुंबक का सेंटर है, ये चुंबक का यंग सिरा है, चुंबक का एस सिरा है और ये चुंबक का सेंटर है, ठीक है। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। सिंपल। अब हम देखते हैं ध्रुव प्रबलता के बारे में, ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव प्रबलता। जैसा कि मैं अभी हमने दिखाया, देखा कि जब हम एक चुंबक को, चुंबक के पास बहुत से लोहे के बारीक बारीक कणों को बिखेरते हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे कि जो ये जो सिरे हैं, किनारे वाले जो सिरे हैं, यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो पाउडर है, लोहे का जो पाउडर है, चूर्ण है, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर जो शक्ति थी अधिक थी, ध्रुवों पर कौन सा नाम दिया? इन बिंदुओं को हमने कहा चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुवों पर आकर्षित करने की जो शक्ति है वह क्या होती है? अधिक होती है। और हम कह सकते हैं कि इन बिंदुओं पर चुंबक का जो ध्रुव प्रवणता है वह कैसा है? अधिक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय ध्रुव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय ध्रुव प्रवणता मीन्स, चुंबकीय ध्रुव प्रवणता मीन्स, या चुंबकीय ध्रुव प्रवणता मीन्स चुंबक की शक्ति, चुंबकत्व को धारण करने की शक्ति क्या कहलाती है? ध्रुव प्रबलता कहलाती है। और ध्रुव प्राबल्य, जो ध्रुव प्राबल्य है या शक्ति है, उस शक्ति का जो संकेत है उस संकेत को हम लोग इससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो बात सबको समझ में आ गई? वेरी सिंपल। अभी हम
एम के बारे में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इनके विभिन्न सूत्र, इनके मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ छोटी फिर भी याद रखने के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ध्रुव प्रवणता का जो मात्रक है एम्पियर मीटर और इसका जो विभिन्न सूत्र है क्या होता है एल इंटू ए होता है। अभी हम देखेंगे कि ये जो मात्रक है, जो विभिन्न सूत्र आपके सामने आए हैं, ये कैसे आए हैं अभी हम आपको निकालना इस पे सिखाएंगे। तो ये तो छोटी छोटी बातें हुई चुंबकीय ध्रुव के बारे में। चुंबकीय ध्रुव के बारे में मैंने आपको बताया है ना, चुंबक में स्थित वे बिंदु जहां पर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को, लोह पदार्थ को ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उन बिंदुओं को हम लोग कौन से बिंदु कहेंगे, चुंबकीय ध्रुव वाले बिंदु कहेंगे। चलिए अब हम जो अगला पड़ाव है जिसको कि हम लोग इस नाम से जाने, चुंबक के क्या गुण हैं इनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो काफी कुछ गुण के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, छोटी छोटी क्लासेस में, तीसरी क्लास से हम लोग मैग्नेट पढ़ते आ रहे हैं है ना, और नाइन्थ क्लास में तो काफी कुछ पार्ट है मैग्नेट का, तो जिसको आप अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं है ना। तो सबसे पहला जो गुण है सबको मालूम है ना, चुंबक का पहला गुण कौन सा गुण होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर ये आकर्षित करता है। तो पहला गुण क्या हुआ, ये पहला गुण हुआ चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का इसमें गुण होता है। तो ये उसका क्या पहली प्रॉपर्टी बनी, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, ये पहला गुण हुआ। दूसरी गुण के बारे में सभी को जानते हैं है ना, दूसरा गुण वेरी सिंपल है ना, क्या गुण है वो, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, यदि हम किसी चुंबक को एक धागे से बांध दिया जाए और स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाए तो हमेशा किस डायरेक्शन में ठहरता है, हमेशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में वो ठहरता है। तो चुंबक को दूसरा गुण होगा, जब चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं तो हमेशा वह किस डायरेक्शन में ठहरता है, भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसके अलावा भी आप लोग कुछ छोटे छोटे गुणों के बारे में जानते ही हैं आप लोग है ना, क्या सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, सजातीय ध्रुवों में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय ध्रुव में क्या होता है आकर्षण होता है। अच्छा हमें आपसे एक छोटी सी बात पूछते हैं, मान लीजिए एक चुंबक है और उसे हमने दो भागों में बांट दिया, इस तरह से तोड़ दिया यहाँ पर, तो क्या एक अकेले उत्तर ध्रुव का यहाँ पर अस्तित्व होगा, क्या क्या इस तरह से हम एक चुंबक बना सकते हैं क्या, जिसमें अकेला उत्तर हो या अकेला दक्षिण हो, तो कभी भी नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। निश्चित रूप से जहां पर हमने चुंबक को दो भागों में काटा है, दो भागों में तोड़ा है, तो टूटने वाले भाग पर भी क्या हो जाते हैं, दो विपरीत प्रकार के ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि एक अकेले चाहे वो उत्तर ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, उसका अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक, तो अकेले उत्तर ध्रुव या अकेले दक्षिणी ध्रुव का एग्जिस्टेंस जो है वो कभी भी संभव नहीं होता। इसके अलावा जैसा कि हमारे टीचर्स ने इसके पहले ही बताया था, वो बताया होगा आप लोगों को कि चुंबक को पीटना नहीं चाहिए, चुंबक को पटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, चुंबक को पीटने से, पटकने से, गर्म करने से उसका जो चुंबकत्व है वह क्या हो जाता है, उसका जो चुंबकत्व है क्षीण होता है, कमजोर होता है, उसके चुंबकत्व की जो शक्ति है उसके गुण का विनाश होता है। तो वेरी वेरी सिंपल। इसमें एक और खास बात है, आपने देखा होगा कि जो अगले गुण के बारे में चर्चा करें कि जब एक चुंबक को क्या करें, छोटी छोटी अल्पिनों के पास हम ले आते हैं तो ये जो अल्पिन का टुकड़ा है वो क्या हो जाता है, चुंबक की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो यहाँ जो घटना घटित हो रही है इस घटना को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। इस घटना को हम कौन सी घटना कहेंगे, इस घटना को हम लोग कहेंगे चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण मीन्स प्रेरणा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस चुंबकीय सुई में, सॉरी, इस अल्पिन में है ना चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। यदि मान लीजिए किसी चुंबक के एल सिरे को अल्पिन के पास लाएंगे तो पास वाला सिरा क्या बन जाएगा, एस, और दूर वाला सिरा क्या बन जाएगा, एम। तो एम और
एज सिरा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो यहां पर जो अल्पिन का टुकड़ा तैयार हुआ, ये जो अल्पिन में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न हो गया, और ये जो चुंबकत्व उत्पन्न हो गया, इस घटना को हम लोग कौन सी घटना कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण की घटना कहेंगे। ठीक है, परीक्षक पर। अब हम अगला जो पार्ट है वो है ताप का प्रभाव। इसी को हम इसके गुण के अंतर्गत ले सकते हैं। ताप का प्रभाव क्या होगा, है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, है ना। तो ताप का प्रभाव क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा कि किसी चुंबक को यदि हम क्या करें, गर्म करें, गर्म करने से उसका चुंबकत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और जब हम गर्म करते चले जाएं, गर्म करते चले जाएं, तो एक स्थिति कैसी आएगी, उसका जो चुंबकत्व है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये जो स्टडी है, ये काम किया था किसने, वैज्ञानिक क्यूरी ने, और इसीलिए इस नियम को हम लोग कौन से नियम के जानते हैं, क्यूरी नियम के नाम से जानते हैं। तो बेटा जैसे कि अभी हमने देखा क्यूरी नियम के बारे में, क्यूरी नियम क्या देखा हमने, क्यूरी नियम के बारे में क्या जानते हैं हम, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी चुंबक को यदि हम क्या करें, गर्म करें, गर्म करने से उसका चुंबकत्व धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षण होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका जो चुंबकत्व है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये जो स्टडी करी किसने की, ये करी क्यूरी ने, जो साइंटिस्ट थे कौन थे, क्यूरी। ठीक है, तो क्यूरी ने क्या बताया, किसी भी चुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के क्या होगी, युत क्रमानुपाती होगी। किसी भी पदार्थ की, किसी भी चुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के क्या होती है, युत क्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, ताप बढ़ाते जाते हैं, उसका चुंबकत्व यानी कि उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, आकर्षित करने का जो गुण है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आएगी एक विशेष ताप पर उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और वो चुंबकीय गुण को दर्शाना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये नियम हुआ क्यूरी नियम। चलिए नेक्स्ट बहुत जरूरी चीज है जिसको हम लोग चुंबकीय रक्षक के बारे में भी जानते हैं। चलिए तो अभी बेटा हम लोगों ने देखा चुंबकीय गुण के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं चुंबकीय रक्षक की। बेटा यहां ध्यान देने की चीजें हैं, है ना, कि हम लोगों ने चुंबक तो बनाते हैं, कितनी मेहनत से बनाते हैं, और हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह करने के बाद जो है उसको सीधे कहीं पर भी किसी लोहे की अलमारी में ले जाकर फेंक देते हैं, और करीब करीब 3-4 महीने बाद फिर से प्रैक्टिकल की एग्जाम आती है, या नए सिरे से प्रैक्टिकल करना शुरू करते हो तो फिर से उस मेहनत को निकाल देते हो और आप प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। ये जो गलत तरीके से रखने से चुंबक का जो चुंबकत्व है वो भी क्या होने लगता है, क्षीण होने लगता है। तो उस चुंबक का चुंबकत्व को बचाए रखने की भी हमारी ड्यूटी है। तो किसी चुंबक के, किसी चुंबक को कैसे हम बचाएं, उसकी चुंबकीय, उसके चुंबकत्व को कैसे बचाए रखें, बनाए रखें, इसके लिए हम कुछ उपाय करते हैं, और उन उपायों को भी हम लोग किस नाम से जानेंगे, चुंबकीय रक्षक के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चुंबक है मान लीजिए, दो चुंबक को जैसे मान लीजिए एक NS एक चुंबक है और दूसरा जो चुंबक है इसको विपरीत प्रकार से इस प्रकार से रख देते हैं। जैसे NS यहां पर इसका जो सिरा है S और ये सिरा बना N, और बीच का जो खाली भाग है उस खाली भाग में हम लोग रख देते हैं लकड़ी का कोई गुटका और चुंबकीय पदार्थ का कोई गुटका, और बचा ये वाले सिरे, बचे ऊपर वाला सिरा, नीचे वाला सिरा, यहां पर हम लोग क्या करें, यहां पर नर लोहे की जो पत्तियां हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है नर लोहे की पत्ती, नर्म लोहे की पतली पत्ती। वैसे यहां पर भी ये है नर लोहे की पत्ती, यहां पर ऐसा कर देने से जो इसका जो चुंबकत्व है वह क्या हो जाता है, बचा रहता है, उसकी रक्षा हो जाती है। तो ये जो लकड़ी हुआ, ये जो नर लोहे की पत्तियां हुई, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, चुंबकीय रक्षक का निर्माण करेंगे। प्रश्न उठता है कैसे चुंबकीय चुंबकत्व की रक्षा हो रही है। एक्चुअली जैसे कि आप लोग देखेंगे यहां पर जो
एक क्लोज कर्व बनता है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे बल रेखाओं के अंतर्गत कि बल रेखाएं हमेशा एस से निकलती है चुंबक के अंदर, एस से निकलती है एन पर मिलती है, और चुंबक के बाहर एन से निकलती हैं और एस पर जाकर मिलती हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे क्या हो रहा है, यहां पर एक क्लोज कर्व बनता है, और क्लोज कर्व के बनने से क्या होगा, एक बंद वक्र तैयार होने से इसके इन चुंबकों के चुंबकत्व की रक्षा हो जाती है। ये तो बात हुई चुंबकीय रक्षकों की। ओके, अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नेटिज्म का, वास्तव में वो पार्ट क्या है, कूलाम का नियम। चलिए, तो चुंबकत्व संबंधी कूलाम का नियम, चुंबकत्व के संबंध में कूलाम का नियम। यहां एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट पढ़ा, स्थिर विद्युत पढ़ा, वहां पर भी हमने कूलाम का नियम देखा, वहां पर भी हम लोगों ने विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखा, है ना, ऊर्जा के बारे में देखा, फोर्स के बारे में देखा, टार्क यानी कि बल आघूर्ण के बारे में देखा, और विभिन्न प्रकार की बातें वहां पर हम लोगों ने पढ़ी है। तो आप लोगों को मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तर्ज पर बात करेंगे। शॉर्टकट में कहूं तो जैसे मैं वहां विद्युतीय बोलता था तो यहाँ क्या बोलूंगा, चुंबकत्व बोलूंगा, वहां पर मैं विद्युतीय क्षेत्र बोलता था यहाँ पर मैं चुंबकीय क्षेत्र बोलूंगा, वहां पर मैं धनावेश कहता था यहाँ पर मैं उत्तरी ध्रुव बोलूंगा, वहां पर मैं ऋणावेश कहता था उसके बदले में यहाँ दक्षिणी ध्रुव बोलूंगा, वहां पर मैं कहता था सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है यहां मैं क्या कहूंगा, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, वहां मैं कहता था विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, धन और ऋण आवेश क्या करते थे, एक दूसरे को आकर्षित करते थे, यहां मैं क्या कहूंगा, यहां मैं कहूंगा कि विजातीय ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होगा, और ये जो आकर्षण बल का जो नेचर होगा वो होगा मैग्नेटिक नेचर होगा, चुंबकीय बल कहलाएगा। वहां के बल को हम क्या नाम से पुकारते थे, विद्युतीय बल के नाम से पुकारते थे, क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र के नाम से पुकारते थे, यहां पर क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ये एक छोटी छोटी बातें जो है मैंने आप लोगों को बताई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कूलाम का नियम, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम दो चुंबकीय ध्रुवों को, मान लीजिए दो चुंबकीय ध्रुव है, मान लीजिए नाम ही दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, ए और बी, जिनकी ध्रुव प्रबलताएं, एक की ध्रुव प्रबलता कितनी है M1 है, दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कितनी है M2 है, और सपोज कि वे परस्पर R दूरी पर स्थित है, तो कूलाम कहता है इन ध्रुवों के बीच में, इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच में फोर्स काम करता है, बल काम करता है, ये बल आकर्षण भी हो सकता है, ये बल प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है, आप तो जानते ही हैं सजातीय ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण सॉरी प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय ध्रुव में क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। ओके, तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के युग्मानुपाती होता है, यही है कूलाम का नियम। और जो दिशा है, दिशा हमेशा उन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, या तो बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी। समझ में आ गया सब लोगों को, फिर से एक बार रिपीट कर दें, किन्हीं भी दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन ध्रुवों के ध्रुव प्रबलताओं के प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगी, युग्मानुपाती होती है। आप चाहें तो इसे सम्मिलित रूप में लिख सकते हैं। सम्मिलित रूप में आप कैसे लिखेंगे, सम्मिलित रूप में लिखने पर क्या मिल जाएगा, देखो F is proportional to M1 M2 upon R का स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हैं बराबर कार्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो फार्मूला है ये आ जाता है कूलाम के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म,
यहाँ पर आप देखेंगे जो कांस्टेंट आया है, जो कांस्टेंट है ये एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू मापन की पद्धति और दोनों ध्रुवों के बीच के माध्यम पर वो निर्भर करता है। तो अभी हम देखेंगे अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग पद्धति में, अलग अलग माध्यम में इसकी के की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है। चलिए सबसे पहले हम बात करें सीजीएस पद्धति में, चर्चा करें और माध्यम क्या ले लें। पहली पद्धति ले लेते हैं हम सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में दो परिस्थितियां बनेगी। पहली परिस्थिति जब दोनों ध्रुवों के बीच में क्या हो, कोई वायु कोई भी माध्यम ना हो, मतलब कौन हो, या तो वायु हो या फिर निर्वात हो। दूसरी परिस्थिति क्या बनेगी, मान लीजिए दोनों ध्रुवों के बीच में कोई माध्यम है। बिल्कुल वैसे ही एसआई पद्धति में भी हम चर्चा करेंगे। एसआई पद्धति में भी इसी प्रकार की दो परिस्थितियां बनेगी। एक परिस्थिति क्या बनेगी, जब दोनों ध्रुवों के बीच में क्या हो, वायु या निर्वात हो, और जो दूसरी परिस्थिति बनेगी जब दोनों ध्रुवों के बीच में कोई माध्यम हो। तो ध्यान रखिए जब हम इस तरह की बात को आगे बढ़ाएं, समीकरण को विभिन्न रूपों में लिखना चाहें, दोनों बातें आ गई, एक तो मापन की पद्धति और ये दोनों पार्ट क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच का माध्यम। चलिए तो सबसे पहले हम सीजीएस पद्धति में चर्चा करें, और इस पद्धति में दोनों ध्रुवों के बीच में कौन है, कोई माध्यम नहीं है, मीन्स या तो वायु है या निर्वात है। तो उस परिस्थिति में ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट आपने लिखी है उसकी वैल्यू हम देखेंगे कितनी होती है, 1। ठीक, तो जो समीकरण का रूप बनेगा वो क्या बनेगा, f is equal to k की वैल्यू 1, then m1 into m2 upon r का स्क्वायर। तो ये जो फोर्स का जो इक्वेशन आया, जैसे कि सीजीएस पद्धति में है तो बल का मात्रक कौन होगा, डाई। ओके, बात सबको समझ में आ गई। वैसे ही माध्यम के लिए ये जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को स्पेशली हम लोग एक कांस्टेंट म्यू आर के रूप में दर्शाते हैं। तो एफ इज इक्वल टू जो फॉर्म होगा सूत्र का, जो रूप हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आर इनटू एम वन इनटू एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। इसका नाम है, ये जो म्यू आर आपने कांस्टेंट यूज किया है इसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक, आपेक्षिक चुंबकशीलता। इसका नाम क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। किसकी, माध्यम की। इसे हम क्या कहेंगे, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, राइट, या पारगम्यता के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, दूसरी पद्धति में एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में यही इक्वेशन कैसे आएंगे, याद करने के हिसाब से सुन लीजिएगा। जब कभी भी मैंने इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी में भी आप लोगों को बताया था, है ना, कि जब कभी भी हम सीजीएस पद्धति के फार्मूले को एसआई पद्धति में कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्या बताया था, 1/4πε0 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर μ0/4π से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हमारे पास सीजीएस पद्धति का फार्मूला है, एसआई पद्धति में उसे बदलना है तो क्या करें, मेरे पास देखो m1 m2 upon r square तो है ही, इसमें मैं क्या करूंगा, μ0/4π का गुणा कर दूंगा, राइट। तो फोर्स और फोर्स है और एसआई पद्धति में है तो बल का मात्रक सभी जानते हैं आप लोग क्या होगा, न्यूटन, इतने इतने न्यूटन हो जाएगा। ये है फोर्स का इक्वेशन, किस पद्धति में, एसआई पद्धति में।
व्यावसायिक पद्धति में बलकर समीकरण क्या होगा, चुंबकीय बलकर समीकरण क्या होगा, किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बलकर समीकरण क्या होगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। यहां पर एक कांस्टेंट आया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो म्यू जीरो ये है वायु या निर्वात की निरपेक्ष, म्यू जीरो को हम लोग कहेंगे वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। डी सेम यहां पर भी, तो जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की वैल्यू कौन बनी बताइए, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट की वैल्यू ऐसा ही पद्धति में वायु निर्वात के लिए क्या बनी, ये बनी के इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, राइट। बिल्कुल इसी प्रकार से माध्यम के लिए हम चर्चा करें, माध्यम में भी जो इक्वेशन होगा वो किस तरह का होगा, जैसा कि मैंने भी बताया था जो भी बातें हैं जितनी सारी चीजें हैं आपके पास उसमें क्या कर दो, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई का गुणा कर दीजिए, तो समीकरण का रूप कैसे बन जाएगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई और म्यू आर तो पहले से ही है एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ये जो पार्ट आर देख रहे हैं आप लोग म्यू जीरो इंटू म्यू आर, उसके बदले आप सिंपली म्यू भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा म्यू अपॉन फोर पाई एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। ये म्यू किसके लिए लिखा आपने, यहां पर म्यू लिखा हमने म्यू जीरो इंटू म्यू आर के लिए। तो इस तरह से ये जो म्यू है जैसे कि मैंने ये बताया था ये है ये जो म्यू जीरो आप देख रहे हैं ये म्यू जीरो है किसके लिए, म्यू जीरो है क्या चीज, म्यू जीरो है वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। और यहां पर ये जो म्यू आएगा वो कौन सा म्यू कहलाएगा, ये कहलाएगा माध्यम की निरपेक्ष, यानी कि बात समझ में आ रही सब लोगों को, ये जो स्थान होता है वो किसका स्थान है, ये है निरपेक्ष चुंबकशीलता। अगर वायु या निर्वात है तो वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहलाएगी और यदि माध्यम है तो माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहलाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने म्यू किसके लिए लिखा है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर के लिए लिखा है, म्यू हमने किसके लिए लिखा है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर के लिए लिखा है, तो इट इंप्लाई म्यू आर बराबर कौन बना, ये बना म्यू अपॉन म्यू जीरो, राइट, म्यू अपॉन म्यू जीरो। और म्यू कौन है, म्यू कौन है, ये है माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, म्यू कौन है, ये है माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, और म्यू जीरो कौन है, ये है वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, राइट। तो ये जो पूरा पार्ट बना हमने देखा ये किसके लिए है, कूलाम के नियम से संबंधित है। ध्यान रखें यहां पर जो क्वेश्चन आता है आप लोगों को चार नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना, वो क्वेश्चन क्या है, कूलाम के नियम को चुंबकत्व संबंधी कूलाम का नियम लिखिए तथा इस आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। जब इसके पहले भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी ये काम हमने किया था, वहां पर भी हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, वहां पर भी हमने एकांक आवेश को परिभाषित किया था, यहां पर भी हम लोग चुंबकत्व संबंधी कूलाम का नियम पढ़ेंगे और किसको परिभाषित करेंगे, एकांक ध्रुव को परिभाषित करेंगे। तो परिभाषा बनी बनाना है किसको परिभाषित करना है, एकांक ध्रुव को परिभाषित करना है। तो जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं फिजिक्स एक समझने का सब्जेक्ट है और इसे आप रटने की पद्धति पर बिल्कुल इसकी स्टडी ना करें, पहले आप समझ जाइएगा फिर उसके बाद अपने हिसाब से तैयार कीजिए। तो एकांक ध्रुव की परिभाषा किस बेस पे समझ सकते हैं, देखिए आपके पास इक्वेशन है, इतने सारे इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं, इसी में से मैं इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, एसआई पद्धति का उपयोग करता हूँ। एसआई पद्धति में हम लोग जानते हैं वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए हम देखे थे F इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू मिलती है, कितनी मिलती है, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम वन इंटू एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। ध्यान रखें ये जो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई है इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर, याद रखें हमेशा
म्यू जीरो अपॉन मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल बनाने के लिए म्यू जीरो अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷ मात्रक न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति वेबर का स्क्वायर। यहां पर जो वेबर है ये है ध्रुव प्रबलता का मात्रक, तो वेबर इंटू वेबर इज इक्वल टू वेबर का स्क्वायर, राइट। तो चलिए एकांक ध्रुव को हम परिभाषित करने चले हैं। तो इस समीकरण की सहायता से हम क्या करें, यदि मैं m1 को और m2 को बिल्कुल बराबर बराबर मान लो कि m मान लिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो दोनों ध्रुव हैं वो कैसे हैं, उनकी ध्रुव प्रबलता भी समान है और उनके जो प्रकार हैं वो भी कैसे हैं, समान है, या तो दोनों के दोनों उत्तर होना चाहिए या दोनों के दोनों दक्षिण होने चाहिए, दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। तो दोनों ध्रुव कैसे ध्रुव कहलाएंगे, समरूप ध्रुव कहलाएंगे। हमने क्या किया, m1 और m2 को हमने क्या मान लिया, दोनों ध्रुव को हमने क्या मान लिया, समरूप ध्रुव मान लिया। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, चूंकि एसआई पद्धति में चर्चा कर रहे हैं, है ना, ये जो इक्वेशन आया है वो किस पद्धति का है, एसआई सिस्टम का है। तो आर बराबर हम क्या लिखेंगे, एसआई पद्धति में एक मीटर लिखेंगे। ये जो एफ है, एफ की वैल्यू आप इतनी रख दो कि म्यू जीरो अपॉन 4π को हम क्या कर सके, काट सके। एफ की वैल्यू कितनी रखें हम, अब अभी आपको मैंने बताया था एफ की वैल्यू है 10⁻⁷, और जो कि बल है फोर्स है, फोर्स है तो मात्रक क्या कहलाएगा इसका, न्यूटन, ठीक। तो इस समीकरण में यदि हम क्या करें, मान रखें, तो मान रखने पर रख दीजिएगा, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁷, म्यू जीरो अपॉन 4π की वैल्यू मैंने आपको बताया कितना है 10⁻⁷, और m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू m, तो m m m का स्क्वायर और नीचे एक का स्क्वायर, इस तरीके से आपको क्या मिला, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू क्या मिला, ±1। यहां एक परिभाषा आपको मिल गई, कौन सी परिभाषा मिल रही है, किस तरह की परिभाषा आपको मिल रही है, आप देख रहे हैं एकांक ध्रुव, एकांक ध्रुव m की वैल्यू कितनी है, ऐसा ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता कैसी हो, एक, यहां पर प्लस वन आया है, प्लस वन मतलब प्लस, प्लस साइन किसके लिए यूज करते हैं, उत्तरी ध्रुव के लिए, माइनस साइन किसके लिए यूज करते हैं, दक्षिणी ध्रुव के लिए। तो बन गई परिभाषा, आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, यहां जितने शब्द आप यूज किए हैं उतनी सारी चीजों को आप एक एक करके बोल दीजिएगा। तो ओके, तो सबसे पहले मैं ही इसको बोलूंगा, वायु या निर्वात में स्थित जब दो समरूप ध्रुव परस्पर एक मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो उन ध्रुवों को हम कैसा ध्रुव कहेंगे, एकांक ध्रुव कहेंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को, ओके। तो वायु निर्वात में स्थित जब दो समरूप ध्रुव परस्पर एक मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण, यहां प्रतिकर्षण क्यों होगा, क्योंकि दोनों ध्रुव कैसे हैं, समरूप हैं, एक ही प्रकार के हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, राइट। तो प्रतिकर्षण का बल होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में एम की वैल्यू कितनी मिल जाती है, एक। परिभाषा रचो, वायु निर्वात में स्थित जब दो समरूप आवेश परस्पर एक मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो उन आवेश सॉरी उन ध्रुवों को, उन चुंबकीय ध्रुवों को हम क्या कहेंगे, एकांक ध्रुव कहेंगे, राइट। तो ओके, चलिए अब हम अगले पढ़ाव में जो महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं आपकी, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बहुत सी बातें, अलग अलग पोजीशन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, ये हम